स्कैम 1992 सीरीज ऑलमोस्ट सुपर हिट हो चुकी है. लोगों ने काफ़ी अच्छे इसके लिए अप्रिसिएशंस दिए हैं एंड काफ़ी लोगों को समझ में आया है हाउ द थिंग्स यूज टू एक्चुअली वर्क इन द लेट 80s एंड 90s और किस तरह हर्षद मेहता का राइज एंड फॉल हुआ था. जी हाँ, ये सुचिता दलाल मैम का पूरा वर्जन था विच शी ऑलरेडी मैंशनड इन अ बुक विच इज़ कॉल्ड द स्कैम. उसी नाम पर आधारित ये सीरीज था. तो जो सारे चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई थी इस बुक में, उसी तरीके से इस सीरीज़ को पिरोया गया है. अब यहाँ पर उस सीरीज़ को देखने के बाद दो तीन रिएक्शंस पब्लिक के काफ़ी कॉमन आए हैं. जैसे कि पहला रिएक्शन जो बहुतों का आया था वो ये आया था कि भाई हर्षद मेहता वॉज अ हीरो एंड ही बिकेम अ स्केपगोट एंड उसको फंसाया गया. ये पहला एक चीज़ आई है. दूसरी चीज़ है जो बहुत लोगों को सवाल था कि भाई ये ब्लैक कोबरा कौन था, मन्नू मानिक कौन था, मनु मुंद्रा कौन था, हु वॉज दिस पर्सन. तीसरा सवाल था कि ओके सो मीन्स आरकेडी आरजे एंड ऑल दीज पीपल. अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ सिर्फ एक्रोनिम्स लूँगा और कुछ मैं नाम नहीं कहूँगा. आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद गेस कर लीजिएगा. आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑन वन वे आई एम गोइंग टू रिवील अ फ्यू थिंग्स with my own network in the street, but on the other hand, I also need to maintain the privacy. तो आप लोग खुद उसको थोड़ा सा क्रैक कीजिए बिकॉज उनमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी लाइव एंड अलाइव हैं. काफ़ी लोग ऐसे, काफ़ी कैरेक्टर्स हैं. तो पहली चीज़ है, when you compare these two movies, Gafla as well as this thing, Scam, you will find 60-70% similarity. Other than that, जो हमने last video में बात करी, अगर आपने नहीं देखा है तो description box में उस वीडियो का लिंक है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. तो वो कुछ चीज़ें थी. जो एक चीज़ है जो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पर ये कैरेक्टर, जैसे कि अजय केडिया साहब को बहुत लोगों ने बोला ये विजय केडिया है. नो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. इस सीरीज़ की खासियत ये है कि या तो एक्रोनिम जैसे आरकेडी यूज़ कर लिया, या तो फिर सरनेम यूज़ कर लिया किसी का, या तो फुल नेम यूज़ कर लिया. यहाँ पर नन ऑफ द नेम्स हैव बीन चेंज्ड. तो पहली चीज़ है, अपने दिमाग से ये निकालो कि कुछ नेम्स चेंज कर गए. कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि मन्नू मानिक वाज बेसिकली आरकेडी. नो, इट वाजंट, ही वाजंट. मन्नू मुंद्रा इज एक्चुअली मन्नू मानिक. तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इन सारे लोगों के बारे में. तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट मन्नू मानिक. अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि सर इनके बारे में ज़्यादा सभी सुना नहीं है, पता भी नहीं है. तो आज आपको पता चलेगा. हम सब मंदेड़िए जो है, मंदेड़िए मीन्स बियर्स. So I am also like a lot of you know that whenever I get bearish opportunities, I do encash it really well. Feb में भी किया था, March में भी किया था. But point is, अगर सारे beers का किसी को बाप कहेंगे, someone who actually ruled the whole beer community, beer cartel for years and years, this was this guy Mannu Manik, जिसको Black Cobra भी कहते हैं. Series में एक चीज़ थोड़ी सी वो दिखाई गई, थोड़ी गलत कह सकते हैं, but maybe character fit होने के चक्कर में. मनु मानिक वॉज इन हिज कॉम्प्लेक्शन, ही वॉज कम्प्लीटली डार्क, एकदम ब्लैक बिल्कुल. तभी उनको वो ब्लैक कोबरा का टाइटल भी मिला था, क्योंकि वो बहुत फियरफुल दिखते, फियर्स दिखते थे, बहुत ही खतरू दिखते थे. एंड पूरे उनका डार्क टोन था स्किन का, इट वॉजंट लाइट एट ऑल, पूरा डार्क था. गुड स्टेचर, गुड हाइट, एवरीथिंग. मनु मानिक वॉज नोन टू रेज ट्रेडर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल, दोज हू आर रेडी टू फाइट फॉर हिम. मतलब मनु मानिक की एक छवि थी कि ये जिस पे भी अपना हाथ रख देते थे उसको सीधे ऊपर ले जाते थे, ऊपर मतलब अपने साथ ग्रो करवा देते थे. ही वॉज सो फियर्ड, इतना ज़्यादा उनका खौफ था कि PSU कंपनीज एंड इवन लिस्टेड अदर कंपनीज जब अपने CEO सेलेक्ट करते हैं, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते हैं वहाँ पर मैंने इनको मेंशन किया है, यहाँ तक कि जब CEOs या डायरेक्टर्स सेलेक्ट होते थे तो इनसे पहले एक राय ली जाती थी कि बॉस इनको बना रहे चलेगा ना. इफ ही सेड नहीं, नो मैटर हाउ क्वालिफाइड दैट पर्सन इज, उनको नहीं बनाया जाता था. और एक इनकी जो खास चीज़ है, दो खास चीज़ें, इनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों अर्न हुई थी, बिकॉज इन दोज 80s एंड 90s मोस्ट ऑफ द बियर्स और बुल्स, वो लोग अगर उनको बड़ा सौदा खेलना रहता था, फॉर एग्जांपल इफ दे वांटेड टू ट्रेड इन 50,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स, बिकॉज हम 80s 90s की बात कर रहे हैं, तब तो फ्लोट कम रहता था. तो अगर आपको 1,00,000 शेयर से खेलना है, 2,00,000 शेयर से खेलना है,
तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स और स्पेक्यूलेटर्स यूज टू रेज मनी थ्रू मनी लेंडर्स, जो पैसा देते ना, जैसे आज भी आजकल भी आप जाओगे राजस्थान साइड पे जाओगे, गुजरात साइड में जाओगे या विलेज एरिया में जाओगे, तो वो ब्याज पे जो पैसा देते हैं, इवन सिटीज में होता है लेकिन थोड़ा कम है, आप आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, वहाँ पर जिसमें रेट बहुत ज़्यादा होता है मंथली इट गोज लाइक 5-8%, तो उस तरह से लोग यूज टू रेज दिस थिंग. Interesting thing was that people used to raise money between 5-15% a month. Just imagine, 5-15-18% per month के basis पे raise करते थे, ये सोच के कि क्योंकि moves इतने random होते थे कि एक एक महीने में stock triple 4 गुना ऐसे भी हो जाते थे, तो people used to do this thing. यहीं पे मनु मुंद्रा या फिर मनु भाई, मनु मानिक, I would say मनु मानिक, he was the only big beer operator, only मतलब वो एक ही थे beer operator जो बाजार से पैसा नहीं उठाते थे, सब उनका खुद पे लगाते थे. So that was one of the reasons why he gained enormous respect in the initial years of his career. Because आप खुद सोचो, एक time पे जब 100 में से 99 लोग बाजार से उठा के अपने आप को तीसमार खान बता रहे हैं, इस बंदे में हिम्मत है, बाजार से उठाते थे या फिर दूसरे का, जैसे हम बोलते हैं ना प्रॉफिट शेयरिंग चल रही है, उस तरह से किसी क्लाइंट का, जैसे कि आपको पता है जो बाकी ट्रिपल आर थे वो लोग क्लाइंट्स का उठाते थे, या तो अपना खुद का ब्रोकर चलाते थे वहां से उठाते थे, बट ये अपना खुद का उठाते थे, खुद का पैसा, खुद का दाव खेलते थे पूरा. एंड ही हैड बिल्ट अप ह्यूज कॉर्पस, ह्यूज कॉर्पस. और एक जो चीज इनकी थी, 80s से लेके ऑलमोस्ट 90s के स्टार्ट में ही एंटायरली रूल्ड द दलाल स्ट्रीट. मतलब लिटरली जैसे आपने सीरीज में भी देखोगे, दैट यूज टू हैपन कि स्ट्राइक्स भी हो रही है, इनने हाथ उठा दिया कि भैया स्ट्राइक चालू रखो तो चालू रहेगी, हाथ नीचे कर दिया तो स्ट्राइक बंद हो जाएगी. दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ आई वुड से रुतबा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड जो इनका खासियत क्या रहता था, ही वॉज वेल कनेक्टेड, इनका नेटवर्क इतना सही रहता था. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, आप मान लो एक बुल हो, मतलब यू केम इन टू द मार्केट, यू आर अ बुल, तो मार्केट में आप पैसा उठाओगे, मार्केट में समटाइम्स यू आर रेजिंग इवन एट 20-25% इंटरेस्ट पे आप उठा रहे हो. तो आपने जब उतने इंटरेस्ट पे कुछ उठाया, तो मनु मानिक ऑलवेज यूज टू नो कि फॉर एग्जाम्पल स्पाइस हो गया, या फिर कोई दूसरा काउंटर हो गया, टिस्को हो गया, कोई सा भी काउंटर हो गया, आप उस पर गुस्से पड़े हो और उनको पता लग गया कि यहाँ पर काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेके गए हुए हैं, बिकॉज एक अच्छा रिजल्ट आएगा, इनको इंसाइडर मिल गई है, ये इधर से. व्हाट मनु मानिक विल डू, ही विल फियर्सली एंटर ओवर देन एंड स्टार्ट हैमरिंग विथ हिज कार्टेल. तो इससे क्या हो जाता था कि सामने वाला, क्योंकि उसने ब्याज इंटरेस्ट पे लिया हुआ है, तो एक लेवल के बाद जब 5-8% गिरता था स्टॉक, तो उनकी भी थोड़ी फटती थी कि यार, सो सॉरी टू यूज दिस टर्म, बट एटलीस्ट आई एम यूजिंग बेटर देन मनु मानिक. तो वो उनकी हालत खराब हो जाती थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता था, दे यूज टू स्टार्ट वाइंडिंग अप द पोजीशंस, अपना कवर करने लग जाते थे लॉन्ग पोजीशंस, तो उसके कारण लॉन्ग अनवाइंडिंग और होने लग जाती थी बाकी लोग डर के. तो वो धीरे 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 करके वो 8% का शेयर जब तक पूरा कवर अप करते थे, वो 15-20% गिर जाता था, मनु भाई अपना पैसा कमा के निकल जाते थे. यहाँ पर एक और सवाल जो बहुत लोगों का आया था कि सर उस टाइम पे तो फ्यूचर्स थे नहीं, तो कैसे होते थे? तब बदला का सिस्टम चलता था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चलते थे, काफ़ी सारे सिस्टम रहते थे, तब आप इक्विटीज में भी 15 दिन का सेटलमेंट साइकिल रहता था, आप वहाँ पर सेल करके वो चीज़ कर सकते थे, दैट वॉज वेरी मच पॉसिबल. केतन पारेख के कांड के बाद NSE ने ये चीज़ें बंद कर दी, इट वॉज कम्प्लीटली बैन, जो अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा वाई शॉर्ट सेलिंग वॉज बैन, अदरवाइज मैं एक वीडियो बना दूंगा. और एक चीज़ थी, अब यहाँ पर बात आती है, जो तीन व्यक्ति दिखाए गए थे वहाँ पे, उसमें एक स्टेटमेंट दिया था, एक बोर्ड रूम में वो लोग बैठे हैं, आप लोगों ने अगर सीरीज नहीं देखी यू कैन गो एंड वॉच, तो उसमें कोई व्यक्ति कहते हैं कि यार अब बहुत हो गया, इट्स हाई टाइम, आई थिंक आई शुड लीव स्पेक्यूलेशन, वरना कटोरा लेके हाथ में आ जाएंगे, एंड अब मुझे शुरू कर देना चाहिए, एंड विल डू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. द अदर वन सेज कि हु नोज आई वुड बी द नेक्स्ट दिस थिंग. तो ये एक चीज़ होती है, अगर आप समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो अबाउट हुम आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. तो ये एक सीन हो गया था उस टाइम पे. तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूँ, इनमें से किसी ने, तीनों ने स्पेक्यूलेशन तब छोड़ा नहीं था, ठीक है, दैट इज़ द रियलिटी, तीनों ने स्पेक्यूलेशन नहीं छोड़ा था. ये ठीक है, सीरीज बनाने के हिसाब से, सुचिता मैम का वर्जन है उस हिसाब से, इन अफैक्ट दे केप्ट ऑन स्पेक्यूलेटिंग एग्रेसिवली फॉर द नेक्स्ट 9 years, 8-9 साल तक वो करें. नो डाउट जिनने ये स्टेटमेंट दिया था उनने अपना वैल्यू इन्वेस्टमेंट MNC कंपनीज में शुरू कर दिया था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्रेडिंग नहीं छोड़ा था. इनफैक्ट इनका एक बहुत सही तरीका था अपने आप को डिफेंड करने का, बिकॉज नाउ रेगुलेटर्स वर एक्चुअली कमिंग इन टू ए स्पेस,
तो इनमें से एक व्यक्ति तो काफी ऑनेस्ट, उनने खुद ने कहा था, ऑनेस्ट मतलब क्या, उनने खुद ने कहा था कि यार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम में इतना हो गया था कि अगर मेरे को डे टू डे स्पेक्यूलेशन करना है तो मैं 1 करोड़ से ज्यादा अपना तब नहीं करता था। ये आज से 15-20 साल पहले की बात है, ठीक है, उस टाइम पे 1 करोड़ भी छोटा अमाउंट नहीं होता। दूसरा वाला बहुत ही सही था, बोले मैं सिर्फ 1 लाख रुपए अपना लगाता हूँ, बाकी मैं अपने होल्डिंग के अगेंस्ट में लेवरेज लेता हूँ, जैसे आजकल प्लेजिंग होता है ना, और उस टाइम पे 90-92% आपको मिल जाता था। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ का 90% भी अगर आपको मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, मेरे हिसाब से तो वो छोटा अमाउंट नहीं है, आई डोंट नो। तो वो उनको एक अच्छा वो मिल जाता था। इनका सीन क्या हुआ था, आई विल टेल यू। व्हेन दे लेफ्ट स्पेक्यूलेशन वॉज बेसिकली दे रिपीटेड द सेम थिंग ड्यूरिंग .com बबल, जब अपना केपी भाई पकड़े गए थे, एंड केपी को दे एक्चुअली बैश्ड बैडली, दे मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन इस टाइम पे दे डिडंट रियलाइज दैट द रेगुलेटर्स अब थोड़े फॉर्मलाइज्ड हो गए थे। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि उस टाइम पे सिर्फ ये 3 लोग नहीं थे, उस टाइम पे बियर कार्टल और थोड़ा बढ़ गया था। एक हिंट देता हूँ, उस बियर कार्टल के 3-4 मेंबर अभी ट्विटर पे भी एक्टिव हैं। यस, ट्विटर पे भी एक्टिव है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, और आपको जान के हैरानी होगी, ये टोटल 7 लोगों का कार्टेल बन गया था, 3 से 7 लोगों का बन गया था, और इन 7ों के पीछे रेगुलेटर पड़ा था। यस, रेगुलेटर पड़ गए थे, बिकॉज इन लोगों ने बीच में टारगेट किया था, लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट बहुत करते थे आईटी कंपनीज में। इनने एक बार कोशिश करी थी इन्फी के शेयर पे थोड़ा झोल झपाटा करने के लिए, इन्फोसिस के शेयर पे थोड़ा झोल झपाटा करने पे, लेकिन रेगुलेटर ने सडन स्पाइक इन वॉल्यूम नोट कर लिया था, जिसके कारण कि वो उनके पीछे पड़ा था। और आपको जान के हैरानी होगी, कौन था क्या था मैं नहीं बताऊंगा, इन 7 लोगों में से ऑलमोस्ट 3 लोग जेल भी गए थे। यस, अब इन लोगों का पीआर इतना अच्छा होता है कि सब हट जाता है, कि छोटा मोटा है तो वो लोग करके निकाल देते हैं, एंड थिंग्स आर एक्चुअली एस्केलेटेड वेल। तो उनमें से 3 लोग जेल गए, एक जन तो 40 दिन के लिए जेल में भी थे, फिर निकल गए थे बेल आउट वेल आउट करके, अभी तो बढ़िया अपना फंड मैनेज वैनेज कर रहे हैं लोगों का। बट द पॉइंट इज, ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली हैपेंड, उनने तब स्पेकुलेशन नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट चीज जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस सीरीज में जो वो RRR हैं उनको बहुत सीधा दिखाया, सीधा इन द सेंस मनु भाई जो बोलते थे यस यस करते थे, नो नो ऐसा नहीं था, दे वर वेरी ब्लंट, वेरी अग्रेसिव। स्पेसिफिकली जो खिचड़ी में जो कॉमेडी का रोल करते हैं, उनने जो किरदार इधर निभाया है, जिनका भी निभाया, मैंने हिंट अच्छी दे दी है, तो वो इतने हल्के में नहीं थे, वो अपने आप को डिस्क्रीट रखते थे, नेवर ही यूज टू कम ऑन टू मीडिया एंड ऑल दीज प्लेसेस, बट ही वॉज वेरी फ्यूर्सफुल। एक्चुअली लोग बहुत गेम प्लान खेलते थे उस समय में। एक्सचेंजेस में ना 2 पार्टियां बन गई थी, गुजराती और मारवाड़ी, और उनके बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता था। तो ये लोग जाके इधर की भी पार्टी को मस्का लगाते थे, उधर की पार्टी को भी मस्का लगाते थे, टिप निकालते थे, और ये उधर से पूरा ये कर देते। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ये तो किसी ने नोट भी नहीं किया होगा, और जिसको पता नहीं हो तो बताया भी नहीं पाएगा। ध्यान से याद करो, जब ये सीरीज चालू हुई थी, और जब पहली बार HM ऑपरेट करने की बात करते हैं, और जब रिंग में जाते हैं, तो वो एक जन को अपने पास बुलाते हैं, इधर आ, और सबको बोल ये खरीदने के लिए। आप आई थिंक सो क्लिक हुआ होगा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि उस बंदे का कैरेक्टर बस उतना दिखा है, लेकिन वो जो रोल था, वो जो बंदा था, वापस जाके देखिए आपको समझ में आएगा, वो बंदा बाद में एक ग्राउंड लेवल पे एक अच्छा ऑपरेटर बना था। एंड दैट बंदा वॉज एन ऑपरेटर हु यूज टू डू थिंग्स बाय हुक और क्रुक, हुक और क्रुक इन द सेंस वो और उसका एक पार्टनर थे। आई विल गिव यू सम इनसाइट्स, वो और उसके एक पार्टनर थे। ऐसा सीन था कि अगर आप उसके अगेंस्ट सौदा बना रहे हो, तो पहली बात तो उनको पता लग जाता था, वो लोग आपसे सीधे सेटलमेंट नहीं, सीधे बोलते थे कि बेटा तू अपना पोजिशन काट, ये हमारे पास ही होना है। अगर आपने अपनी आवाज़ उसके अगेंस्ट उठाई, तो दे ऑलवेज न्यू दैट ऑल दीज जॉबर्स, जॉबर्स मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं रिंग के, दे यूज टू ट्रैवल बाय लोकल, वो सीधे धमकी देते थे, बेटा तेरे को हम लोकल से धक्का मार देंगे, दे लिटरली डिड इट विद अ फ्यू पीपल। मतलब आप सोचो कितना हश-पश रहता था, ये सारी चीज़ें कभी मीडिया पे नहीं आती थी, उसको एक कॉमन एक्सीडेंट बता देते थे कि लोकल से कोई गिर गया, बट दे यूज टू गो टू दिस एक्सटेंट। तो ये एक चीज़ होती थी। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि जब HM का कांड हुआ था, और उसके बाद जब KP वाला कांड हुआ था, तो बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े नुकसान झेले थे, बिकॉज वो शेयर सेल ही नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी सारे शेयर स्टक हो गए थे। तो उस टाइम पे RKD, बिकॉज ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, उन लोगों ने बहुत लोगों को बेल आउट कर दिया था, मतलब उनने बोला था कि ठीक है दे भाई मैं शेयर खरीद लेता हूँ, एक एक दो दो रुपए के तो हैं, ले मैं खरीद लेता हूँ, तू
तेरे को ज्यादा लोड नहीं होगा, या फिर कोई 100 रुपए पे ही लटक गया, या फिर सर्किट पे सर्किट लगता था, तो आउट ऑफ गुडविल बिकॉज ही वॉन्टेड टू डोमिनेट दैट एरिया, तो वो आउट ऑफ गुडविल वो चीज खरीद लेते थे। इसमें एक और चीज है कि बाद में कुछ और ब्रोकर्स आए थे, लाइक दीना मेहता करके आए थे, तो दीना मेहता भी इन लोगों के साथ मिलके थोड़ा ऊपर नीचे करते थे, तो उनके भी क्लाइंट्स को इन लोगों ने हेल्प किया था बेल आउट होने के लिए। अब एक नाम जो यहाँ पर दिखाया गया है, अब आप लोग खुद समझ जाओगे, जो थोड़े स्टैंडर्ड दिखाए गए हैं बट उनका नाम कभी नहीं लिया गया था, वो वहाँ पर एक और व्यक्ति इन्वॉल्व थे और वो थे इनाम के फाउंडर एंड हिज नेम वॉज निमेश शाह। निमेश शाह जी का भी एक पिवटल रोल रहा है इस पूरे इस चीज में। इनफैक्ट जो आपने सुना होगा, मनु भाई कोलकाता वालों की भी बात करते हैं सीरीज में, कोलकाता वालों की भी बात होती है, सो वो कोलकाता वालों ने कुछ नहीं धीरू भाई साहब के रिलायंस के शेयर बेचे थे। तो मनु भाई की एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आज के टाइम पे बियर ऑपरेटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल इन्फीबीम पे क्या किया था, ठोका 50% 60% नीचे ले आए, पीसी ज्वेलर्स पे ठोका 30% नीचे ले आए, दैट्स द मोस्ट। मनु भाई जब ठोकते थे तब कंपनी सीधे 100 से 1 ले आते थे इन जस्ट अ वीक और 2 वीक्स, दैट वॉज हिज शेयर पावर। इस तरह से वो ठोकते थे, मतलब प्योर मैसेकर, एंड ही यूज्ड, इफ यू गो अगेंस्ट हिम ही यूज्ड टू हैव दैट पावर कि वो आपकी कंपनी के शेयर गिराएंगे नहीं, आपको बैंकरप्ट कर देंगे, एंड दैट वॉज हिज स्टेचर, दैट्स वाई लोग इतने उनसे भयभीत रहते थे। लेकिन वो सिर्फ एक व्यक्ति से हारे और वही व्यक्ति बाद में हमारे देश के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति बने, वो थे लेट धीरू भाई अंबानी। एंड धीरू भाई अंबानी टॉट द टैक्टस वेल टू हिज एल्डर सन, जिसके कारण फोर्ब्स लिस्ट में उनका नाम हमेशा ऊपर रहता है, बिकॉज फोर्ब्स लिस्ट जब भी बनने वाली रहती है 3 महीने पहले, रिलायंस में क्या होता है आप देख लो। तो पॉइंट ये है कि जब भी उनके कैलकुलेशन होने वाले रहते हैं उसके पहले, पब्लिश के पहले नहीं बोल रहा हूँ, जब भी कैलकुलेशन होते हैं उसके 3 महीने पहले शेयर इधर उधर हो जाता। तो धीरू भाई एक्चुअली एक्सप्लेन्ड ऑल द ट्रिक्स। तो उस टाइम पे भी मनु भाई और उनकी पूरी गैंग लग गई थी कि भैया रिलायंस को गिराना है, इसको नहीं छोड़ेंगे, एंड विद द कोलकाता ब्रोकर्स। अच्छा, एंड दैट पर्सन मिस्टर केडिया इज नॉट विजय केडिया, अगेन रिपीट, दैट वॉज अ लेजिट पर्सन, इज अ लेजिट पर्सन आई वुड से, नहीं वॉज था। तो ये वाली चीज ऑलरेडी रहती थी। एक और चीज थी कि अगर बॉन्ड इशू रेज करना है, अगर कोई दूसरी चीज रेज करना है, तो इवन पीपल लाइक टाटाज एंड बिरलाज यूज टू फर्स्ट कंसल्ट मनु माने। सो नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन द शेयर पावर विच दिस गाय हैज। बट इधर से एक लेसन भी है, इतना पावरफुल बंदा और आप लोगों को इस सीरीज के पहले पता ही नहीं था, कितने लोगों को नहीं पता था कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोगों को नहीं पता था, इतना पावरफुल बंदा वो इसलिए नहीं था क्योंकि जिसके पास बहुत होता है वो दिखाता नहीं, और जिसके पास नहीं होता है वही सबसे ज़्यादा दिखाता है। दीज पीपल हैव शेयर पावर। ये हम लोग जो देखते हैं, किसी ने दिन का 50 लाख बना लिया, 40 लाख बना लिया, जो भी है फेक ओरिजिनल जो भी, आई एम नॉट जजिंग, किसी ने 1 करोड़ बना लिया, एवरी वन बिकम्स ए हीरो, दिस इज लिटरली नथिंग। देर आर पीपल जो आप शॉक हो जाओगे जो इतना बनाते हैं और वो अपने आराम से शांति से रहते हैं। दिन का मैं बात कर रहा हूँ, दिन का दे प्ले इन क्रोर्स, नॉट जस्ट प्ले, दे मेक इन क्रोर्स इन डेज। देर आर सच पीपल, बट द थिंग इज जस्ट लाइक मनु भाई, दे रियली डोंट केयर, दे डोंट वॉन्ट टू कम इन द आउटसाइड वर्ल्ड, दे डोंट वॉन्ट टू कम इन टू दिस थिंग, दे डोंट वॉन्ट टू शेयर द ट्रिक्स विद एवरी वन। तो पॉइंट है कि जबरन हर जगह फैसिनेट, चाहे मैं हूँ चाहे किसी को भी देख के फैसिनेट होने की जरूरत नहीं, हम लोग तो कुछ भी नहीं, इतने से पानी है, नथिंग। हम क्या दिन के 8-10 लाख बना के हम अपने आप को तोप समझेंगे, तो वो बेवकूफ़ी है बॉस। देर आर पीपल हु मेक मिंट क्रोर्स। सो वो एक दूसरी चीज़ है। तो धीरू भाई अंबानी से मनु भाई हारे थे। मनु भाई आफ्टर दिस थिंग केम, NSE जब आया, जब BSE से शिफ्टिंग हुई NSE आया, धीरे धीरे करके जब सिस्टम बेस्ड चीज़ें होने लगी थी तो उनके ट्रिक्स थोड़े काम नहीं करती थी, तो स्लोली ही स्टार्टेड लीविंग दिस थिंग। जो मैंने आपको बताया जो केस चले थे उसका कवर अप PR में ऐसा किया गया था कि 2006 या 2007 की बात है, इस तरह की PR 2006 और 7 में जो चीज़ हुई थी, तो इसमें एक और PR स्टोरी चलाई गई थी कि फॉर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स इन सब लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं था, दे वर जस्ट ट्राइंग टू हाइड द एंटायर थिंग। और एक चीज़ थी
जब एचएम का एक और चीज नहीं दिखाई गई बिकॉज दीज आर लाइक गुड कंपनीज, एचएम आल्सो यूज्ड टू ऑपरेट इन स्टॉक्स लाइक टाटा आयरन, टाटा स्टील, पीपीएल, स्टेरलाइट, आपका अपोलो टायर, एसोसिएटेड सीमेंट, दैट इज एसीसी, तो सबको पता है. इनफैक्ट आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जस्ट बिटवीन अप्रैल 91 टू अप्रैल 92 सेंसेक्स को विथ एच एम्स पावर इट वेंट अप बाई 274%. जस्ट इमेजिन उस टाइम पे आपके पास म्यूचुअल फंड होता तो आप कितना बनाते. एनी वेज यूटीआई उस टाइम पे लूटता था, कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं होता. इवन एसीसी 4400% विद इन लाइक 2-3 मंथ्स कर दिया था उनने. पॉइंट ये है दोस्तों, अब आप लोगों का एक फाइनल में एक इधर आपका परसेप्शन पे वर्क करूंगा. जो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि एच एम इनोसेंट है, एच एम को फंसाया गया. देखिए नो डाउट गलत ये था कि सिर्फ एच एम को फंसाया गया, बट एच एम ने गलती तो करी थी ना. अब अगर आप ध्यान से देखो, एच एम क्या एच एम हो पाता अगर उसको बैंक्स के फंड्स नहीं मिलते? आस्क योर सेल्फ, जो आप सब एक लेके बैठे हो. सी आई डोंट वॉन्ट टू गेट अ बायस्ड अप्रोच कि नहीं एच एम सही था, एच एम सही था. हमें दोनों तरफ से देखना है. आप मुझे बताओ, अगर बैंक के 5,000 करोड़ रुपए हर्षद मेहता के पास नहीं आता, भले ही उसने लूपहोल निकाला, जो भी निकाला, तो क्या वो हीरो बन पाता? इज इट समवन दैट उसने अपने खुद के पैसे लाए 1,000 रुपए और उधर से वो हर्षद मेहता बना? नहीं ना. दैट इज नंबर वन. चाहे आप गलती गलत काम 10% करो या 100% करो, गलत तो हो. हाँ, गलत ये था कि उसको अकेले फंसाया गया, दैट वाज एक्चुअली रॉन्ग. अब इनमें से आप में से काफ़ी लोग बोलोगे नहीं, उनका इंटेंशन तो बिल्कुल सही था, वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता था. लेकिन हम इसको भी डिनाई नहीं करना चाहते हैं, मार्केट को ले जाना भी उसकी मजबूरी थी. बिकॉज मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज ही वॉज एन इटर्नल बुल. अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी, तो उसका नेटवर्थ कैसे बढ़ेगा? तीसरी चीज़ है, आप खुद सोचो, अगर बैंक का पैसा इसके पास नहीं आता तो उस समय में 55 लाख की लेक्सेस, 45 की थी, 55 उनने पे किया था, लेक्सेस उनके पास होती? नरिमन पॉइंट के पास इतना बड़ा ऑफिस होता? 15,000 स्क्वायर फीट का घर बना पाते उस टाइम पे, व्हेन इट वाज लिटरली इम्पॉसिबल? 28 करोड़ का टैक्स भर पाते? तो देखिए, सेइंग दैट ही इज इनोसेंट इज एक्चुअली रॉन्ग. इफ ही वॉज समवन, अगर हीरो बनाना ही है, अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में भी किसी को नहीं लेना चाहते, तो सी आई वुड से दैट एक तरीके से हमारे इधर बहुत झोल झपाटे चलते थे पहले, नो डाउट. अब ये भी मैं कहूँगा कि हाँ, काफ़ी लोग इसमें से बच गए, कुछ लोग नहीं बच पाए. बट सेइंग दैट एच एम इज इनोसेंट एंड एच एम इज हीरो इज कम्प्लीटली चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरिंग अ हीरो. बेसिकली आप एक ऐसे शख्स को आप हीरो कहना की कोशिश कर रहे हो जिसने सिस्टम का एक लूप होल निकाला, स्मार्टली उसको तोड़ा, और उसके बाद, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ थी फिर तो सुब्रत रॉय भी अपने ये बन गए, क्योंकि उनने भी गरीबों का ही पैसा लिया, उसी से उनको पैसा दिया और खुद पैसा बना दिया, फिर जेल में चले गए. ऐसे तो विजय माल्या भी है, उसने भी क्या बैंक का ही पैसा लिया ना, अपना पैसा बनाने के लिए बैंक का पैसा लिया, और लोगों को वो भी कह सकता है मैंने वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस देने की कोशिश करी थी, दैट वॉज माई दिस थिंग. सेम चीज़ नीरव मोदी कह सकता है, वॉन्टेड टू गिव वर्ल्ड क्लास डायमंड्स टूवर्ड्स द वर्ल्ड एंड इंडिया को फेमस करना चाहता था. तो पॉइंट है, गलती तो करी थी, वी कैन नॉट डिनाई दिस थिंग. और ये कब होता है? जब आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हो कि भाई हुक और क्रुक आई वांट टू रीच दिस लेवल. इंडिया में बस ये एक चीज़ हो जाती है कि 95% लोग कभी ना कभी फंस जाते हैं, बट जो 5% बच जाते हैं वो बाद में सबके हीरो बन जाते हैं, लेकिन उनके क्लॉसेट में भी बहुत सारे स्केलेटन्स होते हैं. आई होप आप इशारा समझ गए होंगे, लेसन समझ गए होंगे. आज भी उन तीनों पे, जो तीन नाम है उनमें से एक पे काफ़ी इनसाइडर ट्रेडिंग के वो चलते रहते हैं, बट क्योंकि उन पे बड़े लोगों का हाथ है, उनके बड़े भाई का हाथ है, तो इसलिए वो बच जाते हैं. बट गाइस, प्लेन एंड सिंपल सी चीज़ है, सीरीज़ है, सीरीज़ के हिसाब से लीजिए, मज़े लीजिए. बट पॉइंट है कि सीरीज़ हो, मूवी हो, या कोई भी यूट्यूब वीडियोज़ हो, वो आपको पूरा प्योर पिक्चर नहीं बताएंगे. अगर आपको कुछ भी पसंद आए इस पर तो याद से आप लाइक कीजिए. और जस्ट टू नो कितने लोगों ने एंड तक देखा है, तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, समथिंग सिमिलर टू द हिस्ट्री ऑफ आर मार्केट्स मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग.